वालेकुम। तो कैसे हो आप सब लोग? तो ईद आने वाली है इसलिए मैं बटाऊंगा झेंडा। तो ये मैंने लकड़ी लाई है और ये झेंडा लाया है। तो चलो बटाने जाते हैं मैकेनिक के पास, वहाँ जाके आपको दिखाता हूँ किस तरीके से वो बटा। तो मैंने झेंडे अपने झेंडे की लकड़ी को ये बटाया है चिकट पट्टिया अच्छी दिखने के लिए, और ये झेंडा है। तो आपको बिटा के दिखता हूँ किस तरीके से। तो मैं आपको बिटा के दिखाता हूँ किस तरीके से दिखेगा। तो मैं आप अंदर डाल रहा हूँ धीरे धीरे से। तो ये बिटा दिया और झेंडा बहुत बड़ा है, आप देख सकते हो ये झेंडा बहुत बड़ा है। तो चलो मिलते हैं मैकेनिक के दुकान पर। तो ये टूट गई थी तो मैंने ये नई डाली है पीछे की। तो झेंडा इस तरीके से आपको खोल के दिखाता हूँ मैं। तो ये मैंने खोल दिया है, तो आपको चला के दिखाता हूँ मैं कि किस तरीके से दिखता है। कैसे हो आप सब लोग? तो आज है ईद मिला दूम, तो आपको सबको ईद मिला दूम नबी की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ईद मिला दूम नबी निकलता है किले में से, तो आपको किले में जाके दिखाता हूँ किस तरीके से निकलता है। मैं रेडी हो गया हूँ, तो आप देख सकते हो किस तरीके से होगा। अभी हम आ रहे हैं पेट्रोल डालने के लिए गाड़ी में, तो यहाँ पर आ गए पेट्रोल डालने के लिए। ये जो टाइम दिखो गया तो हमने गाड़ी में पेट्रोल डाल दिया है। चलो चलते अंदर का। तो गाइस मैं बाजार में पहुंच गया हूँ, तो अभी यहाँ पर थोड़ी देर से उरुस आएगा, तो आपको दिखाऊंगा किस तरीके से उरुस होता है। तो मैं आया हूँ गोल्डन चौक में, तो यहाँ पर डीजे लगाया है छोटा सा। हाँ, गोल्डन चौक में शरबत बनाया हुआ है। यहाँ पर समोसे किए हुए, वहाँ पर शरबत है और उसके आगे पानी है। तो यहाँ पर बटर और समोसे देंगे और आगे केक दिया जाएगा, तो वो केक हम देंगे। यहाँ से उरुस निकलता है, तो मैंने लेट किया है, तो अब आपको दिखाता हूँ अंदर से तो कहाँ से निकलता है उरुस। तो चलो चलते।
तो यहाँ से निकलता है जुलूस। तो अभी मस्जिद बंद की हुई क्योंकि मैंने लेट किया आने के लिए। तो गाड़ी और धोनी की थी और रिडीम करने का था, इसलिए गाड़ी को यहाँ पर आने मुझे लेट हुआ। तो नेक्स्ट साल आपको दिखाऊंगा किस तरीके से होता है। तो ये मेरा पहली बार ही हो रहा है, मैंने आपको गणपति दिखाया और यहाँ पर दिखाया जुलूस किस तरीके से होता है। तो मैंने पहली बार दिखा रहा हूँ आपको, तो प्लीज मुझे लाइक करो और सब्सक्राइब करो। तो चलो चलते हैं बाहर। तो हम आ गए किले के बाहर, तो चलो चलते बाजार में। भाई लोग हैं यहाँ पर, कितने भी बैठे हैं ना, ये सब हमारे भाई लोग हैं। अभी ऊपर है उरुस, तो ऊपर है, तो मैं आपको थोड़ी देर से मिलूंगा। ऊपर जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। नसीब चमके है फर्शियों के, नसीब चमके है फर्शियों के, ते अर्श के चांद आ रहे हैं। झलक से जिनकी फलक है रोशन, झलक से जिनकी फलक है रोशन, वो शम्स तशरीफ ला रहे हैं। नीचे चौक में आ गया है घोड़ा, तो ऊपर यहाँ ऊपर लोग भी है, तो चार घोड़े हैं। और तो आगे मिलाद पड़ रहे हैं वहाँ बाहर।
बस इतना है। तो उम्मीद करता हूँ मेरा ब्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा, ईद मिला दूंगा। तो आज के लिए बस इतना है। तो थैंक यू सर फॉर वॉचिंग, बाय, अल्लाह हाफिज। लाइक करो, सब्सक्राइब करो।